इस साइज के टायर कंपनी की तरफ से आते हैं जब हम कार को बाय करते हैं, या फिर ये बाहर से इंस्टॉल करवाए जाते हैं। तो यही कुछ आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो आप जैसे देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, कार के टायर जो है, टायर अप साइजिंग के ऊपर है। सभी कार्स में जो है टायर अप साइजिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना टायर बाहर को निकला हुआ है। तो चलिए व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज का वीडियो जो है टायर साइज के ऊपर है। जो भी अपनी कार में जो है अप साइज करवाते हैं, आज उसके बारे में ही मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, जो ओईएम से है इस कार के जो है, अभी ओईएम से 195/55 R16 का अलॉय और R16 का ही आपको इसमें जो है टायर मिलता है। और आप देख सकते हैं ओईएम से क्या है कि आपको ये जो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ जो आपको स्पेस मिलता है, ये अकॉर्डिंग टू ओईएम जो है आपको जो टायर साइज है बिल्कुल उतना ही प्रोवाइड किया जाता है जो कि कार के लिए सही रहता है। और जब भी आप कार को ड्राइव करते हैं, सिटी में करते हैं या फिर हाईवे में करते हैं, या फिर आपकी कार जब बिल्कुल फुली लोड हो जाती है, बिल्कुल आपकी कार में 5 पैसेंजर या इससे ज़्यादा रहते हैं, लोड होता है, तो क्या है उसके बावजूद भी यहाँ जो है ये स्पेस जो है काफ़ी रहता है, ताकि जो है आपके ये टायर जो हैं ऊपर ना टकराएं। तो कुछ लोग जो क्या हैं अप साइज करवा लेते हैं, तो अप साइज में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो आपका स्पेस है, यहाँ जो ये स्पेस है, ये स्पेस जो है बिल्कुल भी कार में नहीं रहता है। तो जिसके कारण क्या है कई बार जो टायर जो हैं ऊपर टच होने लगते हैं। तो रिकमेंडेड जो है कंपनी की तरफ से यही रहता है कि आप जो है अप साइज ना करवाएं। जो भी ओईएम से टायर साइज रहता है उसी को ही ओरिजिनल में ही आप कार को ड्राइव करें। तो उस पे उससे जो क्या है आपकी राइड क्वालिटी और जो कार की परफॉर्मेंस है और जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो है बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अप साइज करवा लेते हैं तो इंजन की परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी, कार की परफॉर्मेंस, हर चीज़ में जो है फ़र्क उसमें पड़ेगा, तो वो आप बिल्कुल फील कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि अप साइज करवाना जो सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग करवाते हैं, वो उनकी एक अपना एक टेस्ट है, अपनी एक चॉइस है जो करवाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ना करवाएं, जिनको अच्छा लगता है वो बिल्कुल करवाएं, और जिनको अच्छा नहीं लगता जो कि आप ओरिजिनल टायर साइज के साथ ही कार को ड्राइव करना चाहते हैं, वो ओईएम के साथ ही चलें और जो ओरिजिनल टायर साइज है उसके साथ ही कार को ड्राइव करें और सेफ रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।